वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पास्ता खाने की इच्छा हो रही है और घर में पास्ता अवेलेबल नहीं है तो गूथे हुए आटे से एकदम से टेस्टी हेल्दी पास्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और आटे का पास्ता तो सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। गूथे हुए आटे का पास्ता बनाना घर पे बहुत ही आसान है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। ये मेरे सुबह के बचे हुए गूथे आटे हैं। ये मैंने जो सुबह नाश्ता बनाई थी तो आटे बच गई थी, इसकी मैं पतली रोटी जैसे बेल लेंगी। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अगर आप बचे हुए आटे से नहीं बना रहे हैं, आटे गूंथ के बना रहे हैं, तो आटे गूंथते समय थोड़ी सी नमक डाल दें। अच्छे से बेल लिए और आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। ये रोटी जैसे बेलते हैं उससे थोड़ी सी मोटी है, ज्यादा मोटी नहीं है। अब इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए सभी को डायमंड शेप में कट कर लिए। अब इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पानी को पहले से गर्म कर लिए। अब इसमें डालेंगे कट किए हुए आटा। हम दो तीन बार आटा को बेले हैं, ये सारे डाल देंगे। ये आटा जब बॉईल होगी तो पानी के ऊपर तैरने लगेगी और अच्छे से पक जाएगी। फुल फ्लेम पे पकाएंगे। आटा पकते ही पानी के ऊपर तैरने लगेगी। इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लगी और ये देखिए अच्छे से उबलने लगी है। जो एक दूसरे में चिपक गई थी वो बिल्कुल अलग अलग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और पानी के ऊपर तैरने भी लगी। आटा मेरे अच्छे से पक गई। अब इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल एक दूसरे में चिपकती नहीं है। ये देखिए अलग अलग है बिल्कुल। इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी ठंडा पानी। ये एक दूसरे में चिपकती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं इस तरह से। अब एक पैन लिए और इसमें डालें 2 टेबलस्पून ऑयल। और सब्जी में लिए हैं 1/2 कप बीन्स छोटे छोटे टुकड़े में। एक गाजर लिए जिसे इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिए। एक मीडियम साइज के कैप्सिकम लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। एक मीडियम साइज के प्याज लिए जिसे स्लाइसेस पीस में काट लिए। और थोड़ी सी बंद गोभी लिए उसे भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिए। और 2 हरी मिर्च लिए जिसे बीच से चीरा लगा लिए। सारे सब्जियों को हल्का भूनेंगे। तो पहले डालेंगे हरी मिर्च, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम एंड अनियन। सारे सब्जियों को हल्का सोटे करेंगे। पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमको जो ये आटा का जो पास्ता बना रहे हैं इसमें हमको क्रंची सब्जियां चाहिए, ज्यादा सॉफ्ट नहीं। सारा सब्जियां हल्का भून गई। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में लंबे लंबे काटे हैं। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में सब्जियां काटने से ये पास्ता देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। हम सब्जी को हल्का भूनेंगे। अब
अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा सब्जी हल्का भुन गई है, अब इसमें डालेंगे ये आटा का पास्ता और इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। वन चौथाई टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एकदम से हल्का अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर से डालेंगे हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, टू टेबल स्पून टमाटर सॉस, हाफ टेबल स्पून विनेगर, हाफ टेबल स्पून चिली सॉस। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम से धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। यह आटा और ढेर सारे वेजिटेबल्स से बना है, इसलिए ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और जब भी पास्ता चाव चाउमीन खाने का मन करे तो इस तरह से बचे हुए आटे से आप नाश्ता बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी आटा का पास्ता मेरे बन के तैयार है। ये बच्चे को बना के दे सकते हैं या टिफिन में भी इसे बना के दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। आटे का टेस्टी हेल्दी मज़ेदार पास्ता मेरी बनके तैयार है। तो आप लोगों ने देखे कि घर पे मैंने आटे से कितने इजीली पास्ता बना के तैयार कर लिए। तो एक बार आप लोग भी इस तरह से घर पे आटे का पास्ता बना के खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट में बताइए कि आटे का पास्ता आपको कैसे लगी। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। से मेरी मजेदार रेसिपी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। थैंक यू।